मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाए जाने से जाखड़ नाराज थे। हालांकि आलाकमान ने अब तक जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। हाल के दिनों में जाखड़ प्रदेश कार्यकारिणी के जरूरी बैठकों से दूरी बनाए हुए थे। इस्तीफा देने को लेकर सुनील जाखड़ ने चुप्पी साधी थी। द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राज्य इकाई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने जाखड़ को फोन करके पूछा कि क्या वो बैठक में भाग ले रहे हैं। जाखड़ ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि वो आज की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं और भविष्य में भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी बैठक में भाग नहीं लेंगे। जाखड़ ने अपने इस्तीफे पर द ट्रिब्यून से टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि जाखड़ ने जालंधर उपचुनाव के बाद जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी आलाकमान को सूचित कर दिया था कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं और साथ ही राज्य भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान में शामिल नहीं थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि जाखड़ कुछ पारंपरिक भाजपा नेताओं के साथ सहज नहीं थे और नीतियों और रणनीति पर अक्सर उनके साथ मतभेद होते थे। इस साल लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई सीट नहीं मिली और पार्टी जालंधर उपचुनाव भी हार गई। मई 2022 में भाजपा में शामिल होने से पहले जाखड़ ने कांग्रेस में रहते हुए एक नहीं बल्कि कई बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 2019 में गुरदासपुर लोकसभा चुनाव में अभिनेता सनी देओल से हारने के बाद पीपीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस समय कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था। जाखड़ अबोहर से दो बार विधायक और एक बार गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। जाखड़ ने 2021 तक 4 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। पठानकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अश्विनी शर्मा 2010 से 13 और 2019 से अब तक दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।